मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन पहुंचे, जहां वे सीहोर कोठरी स्थित एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। दीक्षांत समारोह में शामिल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें उपाधियां प्रदान की। इस दीक्षांत समारोह में कुल 844 स्नातकों को उपाधि प्रदान की गई है। दीक्षांत समारोह में शामिल सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नए भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव रखेगी, साथ ही ज्ञान और कौशल के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करेगी। डॉक्टर मुरुगन सीहोर के कोठरी स्थित निजी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत नए भारत का मूल मंत्र है। डॉक्टर मुरुगन ने छात्रों से नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, 5G सेवाएं और गतिशक्ति जैसी परियोजनाएं युवाओं को उनके विकास और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है, साथ ही कहा हमारी आजादी के इस अमृत काल में युवा भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे। डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज अनलीश्ड अ वेव ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी फील्ड। द स्टार्टअप इंडिया has created one of the most vibrant startup ecosystem in the world. Telecom rates are most comparatively. Data consumption one of the highest per capita and its rate one of the cheapest. Smartphones have become the great leveliers. Technology